कि आपको कोई भी दो फंक्शन दिए होंगे, हमारे आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे पहले है क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? तो आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, दो वेरिएबल दिए है उसका रिलेशन आपको थर्ड वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये थर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक थर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर या तो पैरामीटर। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसमें होगा क्या कि आपको सपोज एक से दिया है वेरिएबल टी के फॉर्म में, वेरिएबल सपोज टी के फॉर्म में टी स्क्वायर, एंड वाई आपको दिया है 80Q, y आपको दिया है 80Q। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, और वो दिए हैं थर्ड पैरामीटर में आपको t के फॉर्म में, वो दिए हैं आपको दोनों t के फॉर्म में, और आपको बोलेंगे कि आपको dy by dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy by dx। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है कि dx by dt होगा, dx by dt is equal to 2t, और यहाँ पे dv by dy by dt होगा, और वो क्या होगा 3 a t square, 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 3 a t square,
तो बस यही है पैरामेट्रिक फॉर्म आपका कि आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। तो एग्जांपल देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। एग्जांपल दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में 34। एग्जांपल 34 आपको दिया है कि फाइंड डिवाइडेड बाय dx इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। आपको बोला है कि dy बाय dx फाइंड करो। dy बाय dx फाइंड करो तो यहां पे सबसे पहले dx बाय d थीटा क्या मिलेगा, a cos का क्या होगा माइनस sin थीटा, और dy बाय d थीटा आपको क्या मिलेगा a cos थीटा। अब आपको बोला है dy बाय dx फाइंड करो, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा इनटू d थीटा बाय dx। तो dy बाय d थीटा आपको क्या मिला था a cos थीटा अपॉन dx बाय d थीटा माइनस a sin थीटा, मींस a डबल का आंसर क्या मिलेगा माइनस cos थीटा, मींस कि dy बाय dx आपको क्या मिलने वाला है माइनस cos थीटा। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं 35। एग्जांपल 35 आपको दिया है x is equal to 80 square और y is equal to 280, x is equal to 80 square और y is equal to 280। तो सबसे पहले dx by dt क्या होगा 280 and dy by dt क्या मिलेगा आपको 2a। अब dy by dx आपको फाइंड करना है, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx means 2a upon 2at, तो क्या मिलेगा 1 upon t, dy by dx आपको मिलेगा 1 upon t। उसके बाद एग्जांपल 36, एग्जांपल 36 में आपको दिया हुआ है x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta, और आपको बोला है dy by dx find करो, dy by dx find करो। तो सबसे पहले तो dx by dt में आपको क्या मिलने वाला है, ये जैसे थे यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करते थे थीटा का 1 हो जाएगा और sin का cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा dy by dt का फाइंड कर लेते हैं, dy by dt आपको क्या मिलेगा ये जैसे थे 1 का 0 माइनस cos का माइनस sin थीटा मींस प्लस sin थीटा। तो यहाँ पे आपको dy by dx फाइंड करना है, dy by dx क्या होगा dy by d थीटा into d थीटा by dx। dy आपको क्या मिला है, dy आपको मिला है a sin थीटा अपॉन dx by d थीटा क्या मिला है a 1 plus cos थीटा, तो क्या मिलेगा sin थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा, sin थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा। अब
sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 आगे लिखते हैं तो 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 और 1 plus cos थीटा / 2 cos square थीटा / 2 2 cos square थीटा / 2 2 2 घर पे cos cos घर पे तो क्या मिलेगा sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 मींस tan थीटा / 2 मींस क्या आपका dy / dx क्या होगा tan थीटा / 2 इससे आगे देखते हैं एग्जांपल 37 एग्जांपल 37 तो एग्जांपल 37 में आपको दिया हुआ है एग्जांपल 37 फाइंड डी बाय डी एक्स इफ एग्जांपल 37 फाइंड डी बाय डी एक्स इफ एक्स by 3 plus y 2 by 3 is equal to a 2 by 3 a 2 by 3 आपको d by dx y के लिए बोला है आपकी टेक्स्ट बुक लेके गई कि x is equal to आप a cos 2 theta assume कर लो y is equal to a sin 2 theta assume कर लो आप उस तरह से भी कर सकते हैं और जिस तरह से हम डायरेक्टली करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं कि x is equal to क्या होगा 2 by 3 x 2 by 3 minus 1 x is to n minus 1 तो क्या मिलेगा minus 1 by 3 plus 2 by 3 y raised to minus 1 by 3 dy by dx तो ये क्या है constant number है constant का differentiation क्या होता है 0 therefore x raised to minus 1 by 3 plus y raised to minus 1 by 3 dy by dx is equal to 0 therefore dy by dx आपको क्या मिलने वाला है minus x raised to minus 1 by 3 y raised to minus 1 by 3 means minus y raised to 1 by 3 upon x raised to 1 by 3 means minus cube root of y upon x आपको dy by dx क्या मिलने वाला है minus cube root of y upon x अब देखते हैं exercise 5.6 exercise 5.6 first one sum बस इसी पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना है x is equal to आपको दिया है 280 स्क्वायर और y is equal to आपको दिया है 80 रेस टू 4 तो यहां पे फर्स्ट वन dx / dt क्या मिलेगा आपको 480 और dy / dt क्या मिलेगा 483 therefore dy / dx is equal to dy / dt into dt / dx dy / dx कितना है 480 cube upon dx / dt 480 means t square dy / dx आपको क्या मिलने वाला है t square उसके बाद सेकंड में आपको दिया हुआ है x is equal to a cos theta और y is equal to b cos theta x is equal to a cos theta और y is equal to b cos theta तो फर्स्ट वन dx / dt का क्या मिलने वाला है minus a sin theta और dy / dt में आपको क्या मिलने वाला है minus b sin theta आपको फाइंड करना है dy / dx dy / dx पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या होगा dy / d theta into d theta / dx dy / d theta means minus b sin theta upon minus a sin theta therefore minus b / a आपको dy / dx क्या मिलने वाला है minus b / उसके बाद थर्ड वन थर्ड में आपको दिया हुआ है x is equal to sin t और y is equal to cos of 2t y is equal to cos of 2t तो dx / dt क्या मिलेगा फर्स्ट वन आपको cos t और dy / dt क्या मिलेगा यहां से minus sin of 2t into 2 minus sin of 2t into therefore dy / dx is equal to dy / dt into dt / dx dy / dt क्या मिला है आपको minus 2 sin of 2t upon cos of t means minus 2 sin of t means 2 sin t cos t upon cos t तो cos t cos t perfect 2 2 क्या होगा minus 4 sin of t means के dy / dx आपको क्या मिलने वाला है minus 4 sin of t fourth one देखते हैं
फोर्थ में आपको दिया हुआ है x is equal to 40, x is equal to 40 and y is equal to 4 upon t. x is equal to 40 and y is equal to 4 upon t. Therefore, पहले तो dy by dt क्या मिलेगा आपको? 4 and dy by dt क्या मिलने वाला है? 4. 1 upon t. 1 upon t means तुम्हें इस तरह से लिख सकता हूँ t raised to minus 1. तो differentiation क्या होगा? n x raised to n है तो n x n minus 1. माइनस वन टी माइनस वन माइनस वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर. तो क्या होगा? माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर. हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसका लिख दिया है. अब डी वाई बाई डी टी मिल गया, डी एक्स बाई डी टी मिल गया. आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इनटू डी टी बाई डी एक्स मींस माइनस फोर अपॉन टी स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन टी स्क्वेयर इनटू फोर वन अपॉन मीन्स फोर फोर घर पे आंसर क्या मिलेगा आपको? माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर. फिफ्थ वन देखते हैं. एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस ऑफ टू थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ टू थीटा. साइन थीटा माइनस साइन ऑफ टू थीटा. सिक्स वन. तो फर्स्ट वन dx by dt का क्या मिलेगा? cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin ऑफ 2 थीटा. और dy by dt थीटा का क्या मिलेगा? cos थीटा माइनस 2 into cos ऑफ 2 थीटा. ये होगा. अब आपको dy by dx फाइंड करना है. dy by dx therefore dy by dt थीटा into d थीटा by dx. dy by dt थीटा क्या है? cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 sin ऑफ 2 थीटा माइनस sin थीटा. तो ये आपका क्या हो गया? dy by dx. dy by dx. अब इससे आगे तो हम cos थीटा को cos ऑफ थीटा की फॉर्मूला पुट कर सकते हैं पर कुछ होने वाला नहीं. तो यहां पे ये हो गया. 6 वन में दिया है x is equal to a थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा. वन प्लस कोस थीटा. देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा क्या मिलने वाला है? ए वन माइनस कोस थीटा और डी वाई बाई डी थीटा. डी वाई बाई डी थीटा क्या मिलने वाला? ए माइनस साइन थीटा. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इनटू डी थीटा बाय डी एक्स. क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी थीटा आपके पास माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए वन माइनस कोस थीटा. ए ए घर पे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा. अब वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा हमारे पास कोस टू थीटा की फॉर्मूला है. वन माइनस टू साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा. तो क्या होगा? 2 sin square theta is equal to 1 minus cos of 2 theta. तो यहाँ पे 1 minus cos of 2 theta की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin square theta by 2. आगे जाते हैं sin theta का होगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2. और 1 minus cos of theta का क्या होगा? 2 sin square of theta by 2 sin sin घर पे 2 घर पे minus cos theta by 2 sin theta by 2. तो क्या होगा? minus 4 theta by माइनस 4 थीटा बाय 2. उसके बाद 7 आपको दिया x is equal to sin t upon root of cos of 2t और y is equal to 7th हम देखते हैं. आपको वहां पे quotient rule का यूज करना होगा. वो डिफरेंशिएशन का quotient rule का क्या है? quotient rule कि अगर m upon n दिया है मींस के डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिरेटर जैसे थे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. सेवंथ हम देखते हैं. x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है sin 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t एंड y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t. तो फर्स्ट वन dx by dt फाइंड कर लेते हैं. dx by dt क्या होगा? अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t का स्क्वायर.
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन मींस कि 3 sin स्क्वायर t इनटू sin का क्या होगा cos t माइनस न्यूमिरेटर जैसे थे sin क्यूब t इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 / √x का क्या होता है 1 / 2 √x cos ऑफ 2t इनटू cos का क्या होगा माइनस sin ऑफ 2t इनटू 2 सबका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया देख सकते हो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिरेटर जैसे थे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इनटू 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t माइनस 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 प्लस इनटू 2 घर पे sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t अपॉन cos ऑफ 2t एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos 2t इनटू 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t प्लस sin क्यूब t अपॉन cos 2t की 1 / 2 cos ऑफ 2t की पावर t / 2 होगा ये हमें मिला है dx by dt dx by dt सेम वे dy by dt फाइंड कर लेते हैं dy by dt क्या मिलेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन 3 cos / t - sin t - न्यूमिरेटर जैसे थे sin 2t जैसे थे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इनटू माइनस 2 sin ऑफ 2t माइनस 2 sin ऑफ 2t तो ये 2 घर पे चला जाएगा यहां पे क्या बचने वाला है अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t माइनस ले लेते आगे 3 cos स्क्वायर t इनटू sin t माइनस cos 2t इनटू sin 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t अपॉन cos ऑफ 2t अब एलसीएम ले लेते हैं माइनस cos ऑफ 2t 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस माइनस प्लस cos 2t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर t / 2 तो ये आपको क्या मिला d / dt अब आपको फाइंड ये करना है dy / dx क्या होगा dy / dt into dt / dx तो ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो 81 दिया है x is equal to a cos of t plus log of 10 of 10 / 2 और y is equal to a sin t 81 देखते हैं Therefore, A
माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2 मींस ए माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ t 1 अपॉन साइन ऑफ t देयरफॉर क्या होगा यहां पे ए माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t ए cos square t upon sin t here cos t upon sin cos means sin cot t into cos t तो ये आपका क्या होगा d का सॉरी dx by dt dx by dt आपको मिल गया और y को दिया हुआ है a sin t means dy by dt क्या मिलने वाला है या तो इसको इसी तरह से रखते हैं ये स्टेप है क्योंकि यहां पे साइन वाला दिया है dx by dt तो ये क्या होगा a cos t a cos t अब dy by dt is equal to dy by so dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx dy by dt क्या दिया है आपको a cos t upon dx by dt क्या आया है a cos square t into sin t तो ये cos cos घर पे a घर पे sin upon cos means dy by dx अब क्या मिलने वाला है tan t dy by dx क्या मिलने वाला है tan t उसके बाद 9 10 11 सेम वे इसी मेथड से आपको सॉल्व करने 11 थोड़ा सा चेंज है देख लेते हैं इलेवंथ में आपको क्या दिया है कि x is equal to under root of a sin inverse t और y is equal to under root of a cos inverse t तो बताना ये है कि dy by dx क्या मिलेगा आपको minus y upon x dy by dx क्या मिलेगा minus y upon x आपको ये प्रूव करने को बोला है तो फर्स्ट वन dx by dt आपको क्या मिलेगा अब x रेस टू a है x रेस टू a है तो क्या होगा या तो इधर इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin इनवर्स t मिलेगा सेम y स्क्वायर इज इक्वल टू a cos इनवर्स t अब 2x dx by dt 2x dx by dt इज इक्वल टू a साइन इनवर्स की एक ही पावर साइन इनवर्स की आपको दिया हुआ है तो एक ही पावर साइन इनवर्स की मींस a रे टू x का क्या होगा a रे टू x a रे टू x इनटू log ऑफ e बेस a log ऑफ e बेस a a रे टू x का ये होता है a रे टू x इनटू log ऑफ e बेस a और साइन का क्या होगा अंदर को 1 माइनस t स्क्वायर देयरफॉर dx / dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x into a to sin inverse t log of e base a upon under root of 1 minus t square upon under root of 1 minus t square अब x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 upon 2 under root of a sin inverse t into a sin inverse t log of e base a under root of 1 minus t square dx by dt therefore dx by dt क्या चलेगा dx by dt 1 upon 2 ये कर हो जाएगा यहां पे आ जाएगा a अंडर रूट ऑफ a sin इनवर्स t into log of e base a upon 1 minus t square तो ये dx by dt हमें मिल गया अब देखते हैं dy by dt dy by dt क्या मिलता है तो dy by dt देखने के लिए y को दिया है तो y square is equal to a cos inverse t तो क्या होगा 2y dy by dt is equal to a raised to x का a raised to x log of e base a तो क्या होगा minus 1 under root of 1 minus t square therefore dy by dx is equal to 1 upon 2y a cos inverse t log of e base a minus का minus under root of 1 minus t means minus 1 upon 2 y क्या है under root of a cos inverse t into a cos inverse t log of e base a upon 1 minus t square minus चल ही रहा है
तो ये इक्वल हो जाएगा मींस माइनस अंडर रूट ऑफ ए cos इनवर्स p log ऑफ e बेस a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा dy/dt। हमें क्या फाइंड करना है dy/dx सॉल्व करना है कि वो है। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt into dt/dx। dy/dt क्या है माइनस अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स p log ऑफ e बेस a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर into dx/dt क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a sin इनवर्स t अंडर रूट log ऑफ e बेस a। तो आप देख सकते हो log e बेस a पर ये पर क्या बचेगा माइनस अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट ऑफ a sin इनवर्स t। तो a cos इनवर्स t क्या है y वो ये x। therefore dy/dx का मिल गया हमें माइनस 1 अपॉन माइनस y अपॉन x। तो हमें यही शो करना था, हमें यही शो करना था। आगे का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।